नमस्कार दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि माई इलेवन सर्कल में पहली टाइम आप टीम कैसे बनाएंगे स्टार्टिंग टाइम पे। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको माई इलेवन सर्कल एप्लीकेशन पे आ जाना। देखिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ पे देखिए मैच यहाँ पे शो होने लगता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक लाइन आउट दे दिया, इसी मैच में हम टीम बनाएंगे और ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लाइन आउट दे दिया। लाइन आउट देने से क्या होता है कि आपको एक्चुअल में पता चलता है जैसे कि कौन कौन खिलाड़ी खेल रहा है। तो जैसे यहाँ पे जैसे हम क्लिक कर दिए, इसके बाद क्रिएट टीम पर जैसे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे हमें बताया जाएगा कौन कौन खेल रहा है। देखिए दोस्तों ये सब खेल रहा है और ये जो है सब्स्टिट्यूट प्लेयर है, इम्पैक्ट प्लेयर, और ये जो है रेड वाला जो है ये वाला नॉट प्लेइंग, ये सब नहीं खेल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चार सेक्शन रहता है, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर और बॉलर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 22 खिलाड़ी टोटल है, इसमें से हमको 11 प्लेयर सेलेक्ट करना है दोनों टीमों को मिलाकर, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम विकेट कीपर से आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए हम दो सेलेक्ट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे बैट्समैन पे आ जाते हैं और यहाँ पर भी हम सेलेक्ट कर दिए तीन, ठीक है, पाँच हो गया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है, अगर आपको मन करे कि इसको हमको नहीं लेना है तो इसी को आप टच कर देंगे, ये प्लेयर हट जाएगा। आपको लगता है कि ये इसको लेना है तो इसको आप ले लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप जिसको लेना चाहते हैं इस तरह से क्लिक करके ले सकते हैं, हटा सकते हैं। अब उसके बाद ऑलराउंडर पर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर भी तीन ले लेते हैं। अब बचा कितना बॉक्स, देखिए तीन बॉक्स है, तीन खिलाड़ी हमको लेना है यहाँ पर बॉलर्स में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम बॉलर्स में तीन खिलाड़ी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए। देखिए यहाँ पर पूरा बॉक्स फुल हो गया। यहाँ पे सीके का हम पाँच ले, छः ले लिया, टोटल 11 हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना टीम को देख लेंगे। टीम प्रीव्यू पर क्लिक करके देखिए कुछ इस तरह से हमारा टीम बन गया है। अभी दोस्तों आपको क्या बैक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। अब दोस्तों नेक्स्ट पर जैसे क्लिक कर देंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। दोस्तों जैसे कि आप कैप्टन को सेलेक्ट करेंगे और वो अगर 50 रन बनाता है तो आपको 100 मिल जाएगा। 2x मतलब यहाँ पर 2x गुना करना पड़ेगा जितना भी रन बनाएगा, 2 × 50 तो 100 हो जाएगा। अभी वॉयस कैप्टन जिसको आप सेलेक्ट करेंगे तो 1.5 × जितना अगर 50 रन बनाता तो 75 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम कैप्टन वॉयस कैप्टन सेलेक्ट कर लिया। आप जिस तरह से जिसको भी करना चाहते हैं इस तरह से कर लीजिएगा, आपका जो भी करने का मन है कैप्टन वॉयस कैप्टन को। उसके बाद आप सेव टीम पर क्लिक कर देंगे। अब सेव टीम पर जैसे क्लिक करेंगे देखिए हमारा टीम यहाँ पर बन के रेडी हो गया। यहाँ पर माय टीम पर क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारा टीम बन गया, ठीक है, एक टीम बन गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इसमें टीम पे पैसा लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉन्टेस्ट सब दिया गया है, देखिए 49 का कॉन्टेस्ट है, ठीक है, ये 99 का, 75 का। यहाँ पे हम छोटा में लगाएंगे, छोटा लीग में। यहाँ देखिए 1500 लोग हैं, इसमें हम 6 टीम लगा सकते हैं, ठीक है। 18% विनिंग है और यहाँ पर हम प्राइस देख लेते हैं कितना कितना मिलेगा, ठीक है। देखिए रैंक पे अगर 1 से 270 तक आते हैं तो 80 आपको रुपया मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे लोकेशन दे देते हैं, ठीक है, लोकेशन दे दिए, फिर से क्लिक करते हैं। अब देखिए आ गया, यहाँ पे देखिए 2 पे में 18 रुपया लग रहा है, कैश बोनस हमको मिला था तो यहाँ पर कैश बोनस माइनस हो जा रहा है। फिर ज्वाइन कॉन्टेस्ट पर हम टच कर देंगे। अब दोस्तों ज्वाइन कॉन्टेस्ट पर जैसे क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पर रिफ्रेश करके माई टीम पर हम आके दिखा देते हैं कि यहाँ पर देखिए हमारा 120 रुपया का कॉन्टेस्ट में हमारा टीम लग गया है। इस तरह से दोस्तों आप बहुत ही इजी तरीके आप माई इलेवन सर्कल में पहली बार आप टीम बना सकते हैं।